नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज तक आप बहुत सारे बड़े लीडरों को सुनते आएंगे, आपने उनके पे आउट देखे होंगे, आपने उनकी सफलता की कहानी सुनी होगी और आपको हमेशा ये लगता था कि ये लोगों ने जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की होगी तो किस तरह इन्होंने काम किया होगा, क्या अप्रोच लगाए होंगे, क्या टेक्निक लगाई होगी। आप लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर एक बड़ा लीडर कभी ना कभी एक छोटा लीडर रहा होगा, कभी ना कभी उसने 500 रुपए महीने से स्टार्ट की होगी जर्नी और आज वो लीडर लाखों रुपए कमाता होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो होगा शून्य से शिखर तक। मैं आप लोगों को उन छोटे मोटे लीडर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो इस समय काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उनसे क्या क्या सीखना चाहिए उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जिन लीडर से आपकी बात कराने जा रहा हूं, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो उनको लगभग 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और आज वो लगभग 1000 लोगों से ज्यादा की टीम ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये अभी इमर्जिंग लीडर है, एक बढ़ते हुए लीडर है। आज मैं इन छोटे छोटे लीडर, इन उभरते हुए लीडरों का इंटरव्यू लेके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये लोग काम कर रहे हैं और हमें क्या सीखना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्वागत करते हैं अपने शो में ब्रिजभूषण शर्मा जी का। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने शो में। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि सर क्या रहा अभी तक आपका नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस, सर आप थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइए। सर अंकित जी, थैंक यू अपने शो में बुलाने के लिए और सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा, ऐसा लगता था कि केवल प्राइवेट जॉब ही करेंगे, ऐसा लगता था कि केवल नौकरी ही अपने नसीब में है, मगर जब मैं इस फील्ड में आया तो समझ में आया कि नौकरी के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है और अभी बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, आप सभी लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कैसे आप जॉब के साथ मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें रहती है, अरे मैं तो 9 से 9 जॉब करता हूँ, मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अंकित जी देखिए, जब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं है ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे काम। एक बार अगर आपका ये जो काम है नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, एक बार अगर वो काम पैशन में कन्वर्ट हो गया तो फिर आप उसको बोझ लगेगा, आप उसको एंजॉय कर पाओगे। और दूसरी बात, आपके पास एक सॉलिड वाई होना चाहिए। अगर आपके पास सॉलिड वाई नहीं है तो आपका अपलाइन आपको पुश करेगा, आप तब काम करोगे। अगर आपको एक कारण मिल गया कि आपको क्यों करना है, तो सभी दर्शकों में बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपना वाई ढूंढना चाहिए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है। अगर आपको एक बार वाई क्लियर हो गया तो जहां चाहा वहां रहा। अगर आपका वाई क्लियर हो गया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि नौकरी से पूरी जिंदगी में जो चीज नहीं हासिल होगी नेटवर्क मार्केटिंग से, वो 2 से 5 साल में वो चीज आप हासिल कर सकते हैं, तो कोई बहाना नहीं है दोस्तों। जिसको काम करना होता है उसके लिए कोई बहाना नहीं, और जिसको नहीं करना होता उसके पास 1000 बहाने। सर, जब भी नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में उतरते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, तो सर कैसे लोग अपने आप को बिलीव दिलाएं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग आएगा, 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, 2 लाख रुपए महीना कमाएगा। सर, आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी? सर, कितने रुपए का पहले महीने का आपका चेकआउट बना था? सर देखो अंकित जी, मेरा जो पहला चेकआउट बना था वो तो जैसे सबका होता है, मेरा भी शायद 800-900 रुपए का रहा होगा जब मेरा पहला कंपनी था, और मैंने पार्ट टाइम में तकरीबन 60,000 से ज्यादा तक का पे आउट बनाया अपने कैरियर में। और अभी आप मेरे घर में बैठे हो, ये भी घर खरीदने में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा नेटवर्क मार्केटिंग का। और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो क्या सवाल था आपका कि मैं क्या, कैसे आप आगे बढ़े, किस तरह आपने आगे स्टार्ट किया पहले चेकआउट से, कि आपके दोस्तों ने मना नहीं किया, ये क्या था तुम्हारे साथ, 800 रुपए कमाना होता तो मेरे यहां कर लेता, ऐसा आपको दिक्कत नहीं सामना हुई? आपको मन नहीं किया कि आप छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरुआत में? हाँ बिल्कुल सही सवाल, मेरे को अभी भी याद है, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने मेरे को मना किया था। और ये सबके साथ होता है, जब आप मार्केट में जाते हो प्लान दिखाते हो तो बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, तो उस केस में आपको लगता है कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, आप कहीं ऐसा तो नहीं, आपकी दोस्ती खराब तो नहीं हो जाएगी। मगर उस समय जब मेरे को प्लान दिखाया गया तो पूछा गया कि आपको कितने साल हो गए नौकरी करते हुए, मैंने बोला 7 साल हो गए, तो उन्होंने बोला कि अभी तक कौन सी ऐसी चीज है जो नौकरी में नहीं हासिल हुई। मैंने बोला कि मेरे को दिल्ली NCR में अपना घर चाहिए, तो उन्होंने बोला अगर आप पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हो और अगर अभी तक घर नहीं आया तो क्या लगता है आपको अगले 10 साल में घर आ जाएगा? तो मैंने सोचा, तो मेरे को ये समझ में आया कि हाँ नौकरी से तो कभी घर आ ही नहीं पाएगा और मेरे को कुछ भी हो जाए इस फील्ड में सफल ही होना है। और मैं लगा रहा, मैंने लोगों को बताया। और सबसे पहली चीज, मैं जब ट्रेनिंग में गया
तब मेरे को समझ में आया कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ट्रेनिंग में मुझको बताया गया कि सबसे पहले अपने हॉट लोगों को जोड़ने हैं। तो मैंने हॉट लोगों को जोड़ा जो बोलते थे कि मैं नहीं जुड़ूंगा, काम नहीं करूंगा, मगर मैं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं तुमको 5,000-10,000 दे सकता हूँ। पहले मैं उनसे नहीं पैसे ले पा रहा था क्योंकि मेरे को कन्विक्शन नहीं था डायरेक्ट सेलिंग में, मगर उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग लिया तो मेरे को समझ में आया शुरू में तो लोग ऐसे ही जुड़ते हैं जो आपके खास दोस्त होते हैं। फिर इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ, अपने बेस्ट फ्रेंड को मैंने जोड़ा, वहां से मेरा चेक बना और मोटिवेशन आया। फिर मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया, सेमिनार लिए। तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए नए आदमी के लिए वो होना चाहिए ट्रेनिंग में प्लग इन हो जाओ। जैसा कि अभी कोविड चल रहा है, आप जूम मीटिंग में प्लग इन हो जाओ, आपके आपका जो भी कंपनी का सिस्टम हो आप उसमें प्लग इन हो, तभी आपका काम चालू होगा। सर लेकिन लोग मार्केट में बोलते हैं, मतलब मैंने भी सुना हुआ है, लोग मार्केट में ये बोलते हैं कि जो ट्रेनिंग में बड़ा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, लोगों को ये बता दिया जाता है घोड़ा बंगला गाड़ी BMW ले लोगे। सर ये क्या होता है, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को BMW से जोड़ते हैं? मैं ये आज तक नहीं समझ पाया क्या रीजन है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब BMW ही क्यों होता है? मैं तो कभी नहीं देखा, मतलब मैं सोचता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, लोग क्यों BMW से कंपेयर करते हैं वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को? बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लोग जब आते हैं वो एक औरा देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो जुड़ते ही बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा यूथ है ना, यूथ हमेशा गाड़ियों को देखकर बहुत पैशनेट होता है, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां कार बंद रखती है। क्यों? क्योंकि वो आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देती है। ये जो काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये लाइफस्टाइल चेंज करने का। जो भी कंपनी है वो सोचती है कि आपको पैसा आए तो आप उस पैसे को अपना लोन भरने में रखो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इस वजह से कंपनियां आपको गाड़ी देती है, कार फंड हाउस फंड क्यों दिया जाता है? कंपनी चाहे तो पैसा तो दे सकती है, मगर वो क्यों कार ही देती है? क्योंकि जब वो आपकी कार रोड पर दौड़ोगी तो दोस्तों रोड पर नहीं दौड़ोगी, वो जितने जितने ना बोला उसके सीने पर दौड़ेगी। इसलिए सही बात सर, कार लेनी जरूरी है और अचीवमेंट डिग्री जरूरी है। तो सर जो लोग देखिए, जैसा आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे आपके साथ जॉब कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का एरिया है, हाउसवाइफ है, वो कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को घर में सपोर्ट नहीं करते हैं, कहते हैं ये फंसने फंसाने वाला काम है, लोग इसमें पैसा बर्बाद कर देते हैं। सर वो कैसे काम स्टार्ट करें, जो पढ़ाई कर रहे हैं हाउसवाइफ लोग हैं, वो कैसे काम स्टार्ट करें? क्या उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ स्कोप है सर? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे टीम में बहुत सारे हाउसवाइफ हैं और उनके लिए सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक एक दो दो बच्चों को संभालते हुए काम करना। तो इस समय वो कैसे काम कर सकते हैं, वो ये सोचें कि हम अभी सीख रहे हैं, अभी हम लर्निंग फेज में हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप ये नहीं सोचते कि वो 2 साल में उनको कमा के देने लगेगा। हाँ बट वही बच्चा 18 साल बाद उनको कमा के देता है और उनके बुढ़ापे का लाठी बनता है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा हाउसवाइफ को कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनको तुरंत तो पैसा नहीं मिलेगा और वो काम नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं मिलेगा। बट अगर वो यहाँ पर सीखने पर फोकस करें, पहले दिन ये ना फोकस करें कि उनको पहले दिन से ही कितना पैसा आएगा, वो इस चीज पर फोकस करें कि जैसे हजारों लाखों लेडीजों ने हाउसवाइफ ने अपना काम शुरू किया और उनको एक अच्छा इनकम आ रहा है, वो पहले सीखने पर फोकस करें। अगर आपको 10 मिनट मिलता है तो आप 10 मिनट यूट्यूब देखो, अगर आपको आधा घंटा मिलता है तो आधा घंटा आप इस थ्रू देखो और थोड़ा थोड़ा समय लगाओ इस काम को सीखने को। पैसा कमाने के बारे में मत सोचो, काबिल इंसान बनो, सफलता अपने आप आएगी। आप अपने स्किल्स पर फोकस करो, आप प्रोडक्ट के डेमोंस्ट्रेशन सीखो, आप प्रोस्पेक्टिंग सीखो, आप इन्विटेशन सीखो, आप पहले काम सीखो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तो जो ज्यादा फोकस होना चाहिए हाउसवाइफ को ये होना चाहिए, जब इतने लोगों ने किया तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज अपने ऊपर आपको बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और उसके बाद सीखने पर फोकस करना चाहिए। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, जितना भी सेमिनार्स होता है, ऑनलाइन हो या वेबिनार हो, आपको उसमें अटेंड करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई। मैं ये जानना चाहूंगा, जब भी कोई नया व्यक्ति आपकी टीम में आता है या आप कभी देखते हो कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं जुड़ता है, तो सर वो क्या 3 महीने उसकी क्या उम्मीद होनी चाहिए, कितना पैसा कमा ले? क्योंकि हर आदमी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, सर ये बताओ मैं 3 महीने में कितना पैसा कमा लूंगा, तो कैसे आप किसी को बता सकते हो कि तुम 3 महीने में कितना पैसा कमा सकते हो? हाँ ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हर नया आदमी यही बोलता है कि सर अगर मैं काम करूंगा आपके साथ, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, तो कितना पैसा आ जाएगा? तो इसका जवाब मैं ये बोलता हूँ, तुम कितने घंटे दे सकते हो मेरे को? अगर वो बोलता है कि मेरे आपको 2 घंटे दे सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ देखो ये रोड मैप है, अगर तुम 2 घंटे रोज दोगे, इतने लोगों को प्लान दिखाओगे, तो इसके हिसाब से इतना पैसा आ सकता है। मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर तुम चाहो तो 3 महीने में तुम महीने का 10,000 भी कमा सकते हो, तुम चाहो तो 3 महीने में तुम 30,000 भी कमा सकते हो, मगर तुमको उसी हिसाब से एक प्लान बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे जो होते हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग आते हैं। आप कितने ज्यादा लोगों से मिलते हो, कितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हो, पैसे उसके हिसाब से मिलते हैं।
तो मैं नए आदमी को बोलता हूँ वो घंटे कितने देगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके मैं उसको ये बताता हूँ, अगर तुम इतने लोग को प्लान दिखाओगे, इतने जुड़ेंगे, इतने का सामान लेंगे तो इतना पैसा आएगा, एक कैलकुलेशन मैं उसको देता हूँ। और सर अगर मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आता है और उस 10 लोगों को प्लान दिखा देता है, नहीं जुड़ता है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे कि मैं सफल हो सकता हूँ? क्योंकि नया व्यक्ति हो सकता है अपने सीनियर की मदद लेता हो सकता है अपने सीनियर की मदद ना लेता हो, और हो सकता है जब सीनियर की मदद लिया और 10 लोगों को प्लान दिखाया, लोग नहीं आए उसके साथ, तो सर वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करे? क्योंकि वो समझ नहीं पाता नया व्यक्ति कि लोग, ये नेचर है बिजनेस का, ये हमारी रिजेक्शन हम झेलते हैं, वो कैसे अपने आप को बनाए रखे सिस्टम में कि मुझे काम करना है? आपको क्या लगता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग लोग पैसे कमाए तब करना चाहिए, ना कमाए तब भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। मेरे हिसाब से कि अगर आपके साथ कोई नहीं भी आ रहा है तो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, हो सकता है कई लोग जुड़े, हो सकता है कई लोग देर से जुड़े, हर एक आदमी का अपना एक स्टाइल होता है, वे ऑफ वर्किंग होता है। तो अगर आपके साथ आपने 10 को भी दिखाया तो नहीं जुड़े, तो आपको अपने कंधे पर यूं थपथपा के बोलना चाहिए कि आपने 10 को दिखाया तो सही, क्योंकि कई लोगों ने तो 10 को दिखाया भी नहीं। आपको ये सोचना चाहिए, कहते हैं ना कि ताश के पत्तों में 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, इसका मतलब आपका जो 4 इक्का था वो हो सकता है अगले 10 में हो, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने हिम्मत तो दिखाई और आप अपने अपलाइन से डेली कांटेक्ट में रहें। वैसे तो 10 में से एक जुड़ना चाहिए, मगर अगर नहीं जुड़ा है तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का जरूरत है, और नहीं जुड़ा है तो एक चीज आप समझो, आप जितनी जल्दी अपने सारी लिस्ट खत्म कर दोगे, मतलब आपको ना ये सोचोगे आपको ना 50 ना इकट्ठा करनी है, 50 ना के पहले नहीं रुकना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आपने 20 को दिखाया तो एक तो जरूर जुड़ेगा, ये लॉ ऑफ एवरेज है। तो मेरे हिसाब से तो अगर नहीं कोई जुड़ा तो भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा सर, जैसा कि आपने लगभग एक साल में यहाँ मोदी कर में आपने लगभग प्लेटिनम डायरेक्टर को हिट किया हुआ है, सर आपकी सफलता का क्या राज है? आपकी कौन सी ऐसी डे टू डे एक्टिविटी है जो आप फॉलो करते हो और आपको लगता है उस वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हुए हैं? ओके, तो ये जो है अंकित जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके लिए मैं जो क्रेडिट देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा सिस्टम का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अकेले आप कुछ नहीं हो, अकेले मैं कुछ नहीं हूँ, एक पूरा सिस्टम काम करता है, पूरा एक तरह से आप ये समझ लो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो मैं एक सिस्टम को फॉलो करता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं डेली टीम मीटिंग। मैं क्या करता हूँ, मैं डेली रात में 9 बजे एक घंटे का डेली मीटिंग करता हूँ, और जितने भी मेरे टीम है सबको मालूम है लगभग कि डेली 9 बजे हमारा जूम पर वेबिनार होता है, हमारा ट्रेनिंग होता है, तो सारे लोग आते हैं जितने भी लोग नए हैं। और आपने देखा होगा जैसे क्लासरूम होता है वहां पर अगर एक बच्चा पढ़ता नहीं है बाकी 10 बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी देख देख के पढ़ता है। तो जब क्या होता है जब जूम मीटिंग में आप आते हो तो आपको लगता है कि ये सारे लोग भी नए हैं, ये सारे लोग भी मेरे जैसे जुड़े हैं, मैं अकेला ऐसा नहीं जो फंस गया हूं इस बिजनेस में, ऐसा लोग सोचते हैं बट ऐसा है नहीं, तो उसको भी मन करने लगता है। तो मैं डेली मीटिंग करता हूं और मैं छोटे छोटे कुछ भी ऐसे मोटिवेशनल अपने जो भी हमारा आपका भी कुछ होगा व्हाट्सएप का ग्रुप, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, वहां पर भी मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ वीडियो शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में जिसको लोग देखें और लोगों को ये समझ में आए कि हाँ जैसे ये कर रहे हैं वैसे मैं भी करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो इसका जो जवाब है आपका ये है कि आपको डेली एक सिस्टम को फॉलो करना और डेली ट्रेनिंग अपने टीम में देना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो हर किसी के साथ बड़ा दिक्कत होता है, बहुत सारे लोग जो जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं वो किसी रैंक तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी टीम डेड हो जाती है, उनकी टीम नहीं काम करती है, वो क्या करें कि उनकी टीम काम करना स्टार्ट कर दे, वो कौन सी ऐसी चीजें स्टार्ट करें जिससे उनको वर्किंग टीम मिल जाए? क्योंकि आप भी जानते हो कि अच्छी टीम किसी को नहीं मिलती है, और हो सकता है कभी कभी उनके मेंटर अच्छे नहीं होते हैं, उनका कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम नहीं अच्छा होता है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिंदगी में, कंपनी अच्छी होनी चाहिए या प्लान अच्छा होना चाहिए या इंसान अच्छा होना चाहिए, सर क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से कंपनी तो अपनी जगह पर अच्छी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि आप किस तरह से कर पाओ, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपकी अपनी टीम है तो आप सबसे पहले अच्छे होने चाहिए, आप जो एक्टिविटीज करते हो, कहते हैं ना कि टीम आपकी परछाई होती है, अगर आप अच्छा नहीं काम कर रहे हो तो टीम भी नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको लीड बाय एग्जांपल बनना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उतर के उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने इतनी लिस्ट बनाई, देखो मैंने इतने लोगों को आज कॉल किया, और मैं एक काम करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसका फोटो लेकर अपने ग्रुप में जरूर डालता हूँ, वो ग्रुप में जब मैं डालता हूँ तो लोग मेरे देखते हैं कि यार ये सर तो ऐसा करते हैं, चलो मैं भी करता हूँ। अगर मैं कुछ भी प्रोडक्ट सेल्फ यूज करता हूँ तो मैं उसका वीडियो डालता हूँ अपने ग्रुप में ताकि बाकी लोग देखें तो वो भी वही प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो प्रोडक्ट का अपना अपना रोल है, प्रोडक्ट बैकबोन होते हैं हमारे कंपनी के,
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी चीज चाहते हो आपकी टीम करे, आपको पहले आगे बढ़ के वो चीज करनी पड़ेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपकी टीम देखती है वो करती है, आप जो बोलोगे वो नहीं करती। तो सबसे पहले आपको वो काम करना है और आपको आपकी टीम आगे फॉलो करेगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपलाइन कैसा होना चाहिए, आप कैसे होने चाहिए। कंपनी तो लोग बाद में देखते हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, सबसे पहले वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो, आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, कंपनी का तो बाद का सवाल है। बहुत बढ़िया सर, आपने हमको काफी जानकारी दी। आई होप ऑडियंस आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि ये अभी हम जिन जिन लीडर से बात कर रहे हैं ये इमर्जिंग स्टार है, और अभी आप इनके बारे में जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, लेकिन इनकी स्टोरी से आपको ये सीखना चाहिए कि सफलता रातों रात कभी भी नहीं मिलती है। हर सफलता को पाने के लिए इंसान को बलिदान देना पड़ता है। इन्होंने बलिदान दिया, सोचिए जॉब के साथ साथ। बहुत सारे लोग हम लोग एक्सक्यूज करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम जॉब के साथ नहीं कर सकते, सर की फैमिली है, बच्चे, इसके बावजूद भी इन्होंने धीरे धीरे मेहनत की। कहते हैं खरगोश की तरह तेज नहीं भागना, आप अगर कछुए की तरह धीमे धीमे भी कंसिस्टेंस आप भागोगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉक शो पसंद आया होगा, आपको बहुत जानकारी देती गई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसे इमर्जिंग लीडर से आपके बात कराऊंगा और आपको नई जानकारी दे जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।